हेलो एवरीवन, वेलकम टू विन आईएएस यूट्यूब चैनल। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सीरीज में आज हम लोगों का जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 1887 से हम लोग पढ़ते हैं कि इसका शुरुआत हुई एज अ ब्रांच ऑफ स्टडी के रूप में, सेपरेट स्टडी चालू हो गई थी, लेकिन ये पहले से चलता आ रहा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोई नई चीज़ नहीं थी, एज एन एक्टिविटी ये पहले भी होती रही है जब से है इंसान इस पृथ्वी पर है। तो डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज हैं इसको स्टडी करने की, उसके बारे में आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट अप्रोचेज हैं। अप्रोचेज में फर्स्ट जो अप्रोच मानी जाती है वो है फिलोसॉफिकल अप्रोच, या इसको हिंदी में कहा जाता है दार्शनिक अप्रोच। इसको हिंदी में बोलते हैं दार्शनिक, दार्शनिक दृष्टिकोण। इसमें मैं बाईलिंगुअल इसलिए लेके चल रहा हूँ ताकि अगर हिंदी माध्यम के लोग भी देखें तो इसको समझ सकें। और ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी अप्रोचेज हैं, व्हाट आर द वेरियस अप्रोचेज टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो सबसे पुरानी जो अप्रोच है वो है फिलोसॉफिकल अप्रोच या दार्शनिक दृष्टिकोण। दार्शनिक हिंदी में एक इसका और भी अच्छा नाम है उपागम, ये टेक्निकल नाम है। सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं दृष्टिकोण, और टेक्निकल या तकनीकी जो भाषा है इसकी वो है उपागम, दार्शनिक उपागम। यानी कि यह किस तरीके से इसको स्टडी करें, किस नज़रिए से इसको देखा जाए। तो ये जो फिलोसॉफिकल अप्रोच है इट इज़ मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब बहुत ही विस्तृत है, और ये सबसे ओल्डेस्ट अप्रोच है। इट इज़ बेस्ड ऑन नॉर्मेटिव अप्रोच, ये सबसे खास बात है पूरे इस दृष्टिकोण में। ये बात ध्यान रखनी है कि इट इज़ बेस्ड ऑन नॉर्मेटिव अप्रोच। नॉर्मेटिव का मतलब होता है व्हाट ऑट टू बी, ये क्या होना चाहिए। नॉर्मेटिव सीधा सा समझिए कि क्या होना चाहिए, क्या है नहीं, व्हाट ऑट टू बी, यानी इसका जो फोकस है क्या होना चाहिए। जैसे जब हम लोग पढ़ते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र को, तो उसमें कौटिल्य ने कहा है कि राजा को इस तरह कार्य करना चाहिए, इस प्रकार से कर लेना चाहिए, राजा को अपनी प्रजा के साथ पुत्र के समान व्यवहार करना चाहिए, वो करे या नहीं ये उसके लिए एक तरह से निर्देश होते हैं। तो नॉर्मेटिव अप्रोच पे पूरा का पूरा फिलोसॉफिकल अप्रोच जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वो बेस्ड है, और ये इस बात पे फोकस करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है, एम्फसाइज करता है कि व्हाट ऑट टू बी, यानी किस प्रकार का प्रशासन होना चाहिए। ये उन आइडियल्स की बात करता है जिनमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं ना। इट एनन्सिएट्स, इट प्रेस्क्राइब्स आइडियल्स, आइडियल्स प्रेस्क्राइब करता है किसके लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये बेसिकली दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, कीवर्ड्स नॉर्मेटिव अप्रोच पे बेस्ड हैं और ये आइडियल्स की बात करता है, इसमें आइडियल्स इन्वॉल्व होते हैं। और इसके जो समर्थक हैं, जैसे हम लोग प्लेटो का रिपब्लिक अगर पढ़ते हैं, जॉन लॉक का ट्रेटाइजी ऑन सिविल गवर्नमेंट्स, और महाभारत का जो शांति पर्व है धर्म की बात करता है, राजा को किस तरह व्यवहार करना चाहिए, राजा का धर्म क्या होता है, इसके बारे में जानकारी शांति पर्व से मिलती है। तो ये भी क्या है, प्रशासनिक दृष्टिकोण है, प्रशासन को अध्ययन करने के उपागम है। तो अगर कहीं पूछा जाए 3 मार्क में फिलोसॉफिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन का दार्शनिक उपागम क्या है, तो यह उपागम सबसे विस्तृत एवं सबसे पुराना है, और यह इस बात पर जोर देता है कि प्रशासन का स्वरूप क्या होना चाहिए, कौन कौन से आदर्शों का पालन करना चाहिए। और इसके जो सपोर्टर्स हैं वो हैं स्वामी विवेकानंद और पीटर सेल्फ। आप प्लेटो के रिपब्लिक का उदाहरण दे सकते हो, जॉन लॉक के ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट का उदाहरण दे सकते हो, और नहीं तो शांति पर्व के महाभारत का जो शांति पर्व है उसका उदाहरण लिख सकते हैं। तो ये पूरा हो जाएगा। जो नेक्स्ट अप्रोच है दैट इज लीगल अप्रोच। लीगल से ही हमको समझ में आ रहा है, कानूनी है ना। तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज ए पार्ट ऑफ लॉ स्टडी करता है ना, और इसका जो फोकस है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, पावर, फंक्शंस एट्सेट्रा, इन सब की बातों पे ध्यान देता है। ये ध्यान देता है लॉज के ऊपर, लॉज बनाना, उनका इम्प्लीमेंटेशन है ना, उनका स्ट्रक्चरिंग क्या होगा, ये स्टडी करता है। अगर हम देखें तो बेसिकली जो वुड्रो विल्सन जिस अप्रोच को फॉलो करते हैं वो लीगल अप्रोच ही थे, वो कहते हैं ना डिटेल एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ। तो बेसिकली इसमें जो कीवर्ड्स हमें याद रखने हैं, इट कंसीडर्स
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए पार्ट ऑफ लॉ एंड फोकसेस और एम्फसाइज ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन पावर्स फंक्शंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज एंड देयर एक्टिविटीज। इसको ज्यूरिस्टिक या ज्यूडिशियल अप्रोच भी कहा जाता है, या हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं विधिक उपागम, विधिक उपागम या विधिक दृष्टिकोण। यह खास तौर से उस दौर में आया जिस दौर को हम लोग लेसेज फेयर के नाम देते हैं, यानी व्हेन द फंक्शन ऑफ स्टेट वर लिमिटेड। लेसेज फेयर का एक सिद्धांत है, जनरली इसको अर्थशास्त्र में प्रयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत ये माना जाता है कि मार्केट को छोड़ देना चाहिए, मार्केट अपने हिसाब से चीज़ों को व्यवस्थित करेगा ना। सरकार की दखलंदाजी न्यूनतम होनी चाहिए। यह सिद्धांत कहता है कि सरकार की जो दखलंदाजी है, सरकार का जो इंटरवेंशन है, सरकार की दखलंदाजी सबसे कम न्यूनतम, ये किस सिद्धांत का नियम है? लेसेज फेयर का नियम है। तो यह जो अप्रोच है, लीगल अप्रोच, ये कब आई? इसी दौरान में आई है ना। और यह सबसे, अगर कहा जाए तो सबसे ओल्डेस्ट सिस्टमिकली फॉर्मेटेड अप्रोच है, और इसके जो सपोर्टर हैं वो है फ्रैंक गुडनाओ, जे गुडनाओ, या फ्रैंक गुडनाओ भी हम कह सकते हैं हैं इसके। यानी कहने का मतलब ये है कि सरकार की दखलंदाजी डे टू डे वर्किंग्स में नहीं होना चाहिए। सरकार कानून बना दे, ऑर्गेनाइजेशन का संरचना निर्धारित कर दे, उनके पावर्स निर्धारित कर दें, उनको लागू करने की जो जिम्मेदारी होनी चाहिए वो पब्लिक अथॉरिटीज़ की होनी चाहिए। सरकार का जो पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप बनाने में, लीगल स्ट्रक्चर बनाने में होना चाहिए, और न्यूनतम इंटरफेरेंस होना चाहिए, पर्टिकुलरली फंक्शन को लेकर। नेक्स्ट अप्रोच है हिस्टोरिकल अप्रोच, या ऐतिहासिक अप्रोच कहा जाता है ना। इसके अंतर्गत जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी स्टडीज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स, अर्थात इतिहास में जाकर के ऐतिहासिक घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं। इतिहास में हम पर्टिकुलर पीरियड में देखते हैं कि उस समय का जो प्रशासनिक संरचना क्या थी, प्रशासन किस प्रकार से होता था, है ना, है ना। जैसे ये कहता है कि जो प्राचीन काल में या मध्य काल में या और आधुनिक काल में जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज थी, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में स्टडी करता और वहाँ से इंफॉर्मेशन ये गैदर करता। जैसे हम लोग कौटिल्य के अर्थशास्त्र मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पे जो किताबें हैं मुगल काल की, से अबू फजल ने जो लिखा है ना अकबरनामा, वहाँ से हम मुगल प्रशासन के बारे में जानकारी कलेक्ट करते हैं, या ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो हमारे पास जानकारी उपलब्ध है ब्रिटिश ऑथर्स के माध्यम से, या ब्रिटिश सरकार के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके माध्यम से, उनको स्टडी करना और उनसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ को लर्न करना कि क्या उनमें से अभी भी कुछ हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या कितना यूजफुल थे। तो ये जो है हिस्टोरिकल अप्रोच है, ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करना, ऐतिहासिक प्रशासनिक संरचना और प्रशासन का अध्ययन करना। और प्रशासन हम लोग समझ चुके कि जनता की देखभाल करना, लोक प्रशासन जो है जनता की देखभाल। तो ऐतिहासिक पीरियड में, चाहे वो मुगल काल हो या मौर्य काल हो या ब्रिटिश काल, उस प्रकार के जो सरकारी शासन व्यवस्था थी वो किस प्रकार था, नियमों को किस प्रकार से लागू किया गया, और उसकी क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स थी, और उसके आधार पर वर्तमान में नए नियमों को समझना और प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना। अगला जो अप्रोच है यह है केस मेथड अप्रोच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आज भी अप्लीकेबल है ना। यह बेसिकली डील करता है डिटेल्ड अकाउंट ऑफ स्पेसिफिक इवेंट्स जो कि किसी एक पर्टिकुलर सेटअप में या पर्टिकुलर किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रशासक को निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है ना। नरेशन का मतलब होता है घटनाक्रम, और यह बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव रियलिटी के को रिकंस्ट्रक्ट करता है, उसके बारे में स्टडी करता है, और लोक प्रशासन के जो विद्यार्थी हैं या जो इसके स्कॉलर्स हैं उनको उससे परिचय करवाता है। और ये मुख्यतः पॉपुलर हुआ था 1930s के दौर में, जब हैरोल्ड स्टीयन ने एक केस स्टडीज़ की बुक ही निकाल दी थी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन 1952 में। अगर हम लोग देखें, आप MPPSC के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर में, UPSC के जो जो GS 4 का पेपर है उसमें केस स्टडी आती है ना, आप सब जानते हैं वो क्या है, केस मेथड अप्रोच ही तो है। किसी एक घटना दी जाती है, उसमें एक प्रशासक को निर्णय लेने होते हैं, विभिन्न पहलुओं, विभिन्न
तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, नियमों को ध्यान में रखते हुए। तो केस मेथड अप्रोच आज भी रेलेवेंट है, आज सबसे, मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है। अगर हम लोग जैसे बात करें दिल्ली मेट्रो की, है ना, दिल्ली मेट्रो के बारे में अगर आपको जानकारी हो तो सब आपको पता होगा, सबसे जो पहले उसके जो जो चेयरमैन थे वो थे ई श्रीधरन, है ना, ई श्रीधरन को मेट्रो मैन इसीलिए कहा गया। उन्होंने कम समय में दिल्ली मेट्रो को बना दिया और लागत भी कम आई, तो पूरी दुनिया के लिए एक क्या बन गया, ये केस स्टडी बन गया। उसकी स्टडी करने के लिए हार्वर्ड से कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स जो हैं और दूसरे देशों के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, वो दिल्ली मेट्रो को स्टडी करने के लिए आते रहे हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कैसे, क्योंकि दिल्ली बहुत ही कंजस्टेड एरिया था और उन्होंने बहुत कंजस्टेड एरियाज में बहुत कम समय में, जो टारगेट टाइम था उससे कम समय में उन्होंने इसको बना दिया था और लागत भी कम हुई। तो ये दोनों चीज़ें होना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कोई भी पब्लिक प्रोजेक्ट आता है तो जैसे उसको बनाने की कोशिश की जाती है तो समय बढ़ जाता है और उसकी कॉस्टिंग भी बढ़ जाती है, लागत भी बढ़ जाती है। लेकिन दिल्ली मेट्रो के केस में ऐसा नहीं हुआ, तो ये एक केस स्टडी बन गया। अमेरिका में भी ऐसे ही बहुत सारे केस स्टडीज को लेके हेरोल्ड स्टेन ने एक बुक पब्लिश की थी, है ना, जिसका नाम दिया गया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन, जो 1952 में पब्लिश हुई। भारत में भी जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, IIPA, जो दिल्ली में लोकेटेड है, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी, है ना, भारत सरकार ने इसकी स्थापना इसीलिए की थी ताकि जो विभिन्न तरह के जो प्रशासनिक समस्याएं आती हैं या जो केस हैं उनको स्टडी करें और वो फ्यूचर के लिए एक प्रेरणा का काम करें, स्टडी मटेरियल बन जाए प्रशासकों के लिए। लवासना जो कि सिविल सर्वेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है, ट्रेनिंग संस्थान है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का, और फाउंडेशन कोर्स के लिए लोग यहाँ जाते हैं मसूरी में, वहाँ पे भी केस स्टडी ही सिखाई जाती है, बहुत सारी केस स्टडी स्टडी करने के लिए दी जाती है। जैसे जो नए रिक्रूट्स आते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या अदर सिविल सर्विसेज के, ताकि वो सीख सकें कि विभिन्न केसेस में प्रशासक किस प्रकार से निर्णय लेते हैं। तो ये आज की डेट में भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और इसीलिए जो हम लोगों का जो पेपर 4 है, GS 4 में आपने देखा होगा उस टॉपिक, GS 4 का भी जो नाम है वो रखा गया है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी इंक्लूड किया गया है उसमें ना, एथिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो। और इसीलिए UPSC और सारे स्टेट सिविल सर्विसेज में GS 4 जहाँ पे है, एथिक्स का पेपर है, वहाँ केस स्टडी जरूर पूछी जाती है। तो बेसिकली वो केस स्टडी मेथड ही है, उसके माध्यम से प्रशासन को अध्ययन किया जाता है। तो मुख्यतः ये जो 4 स्टडी तरह नज़रिए हैं जिनको स्टडी किया जाता है, इसके अलावा और भी अप्रोचेज हैं, जैसे ह्यूमन रिलेशन अप्रोच ना, सिस्टम अप्रोच, प्रणाली अप्रोच जिसको हम लोग कहते हैं, बिहेवियरल अप्रोच, इनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे डिटेल में जब हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज पढ़ेंगे, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज का एक टॉपिक अलग से है, तो इसके अंतर्गत हम ह्यूमन रिलेशन थ्योरी को जब पढ़ेंगे तो उसमें उस अप्रोच के बारे में भी डिस्कस करेंगे, सिस्टम अप्रोच के बारे में डिस्कस करेंगे, बिहेवियरलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि सेपरेट सेपरेट एक टॉपिक है हम लोगों के पास एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज या प्रशासनिक सिद्धांत, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कुछ कारणों से अभी बीच में वीडियोस नहीं आ रहे थे, लेकिन अब हम निरंतर आएंगे, तो आप लोग निरंतर इसको देखिए। अगला जो हमारा जो स्टडी का टॉपिक होगा वो होगा स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वेरियस स्टेजेस, विभिन्न जो चरण हैं, किस किस चरण के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गुजरता रहा है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ये सीरीज पूरी होगी जितना भी सिलेबस है MPPSC के पाठ्यक्रम में, सिलेबस में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।